Hello my dear students, welcome to my channel Query Solver. I am your educator Suren Singh and today I will teach you noun and the case. Ishwan, जैसे कि आपको पता है कि मैंने noun आपका complete कराई दिया है, noun and the number and noun and the gender. और ये हमारी noun से related आपकी चौथी वीडियो यानी last वीडियो, और इसमें हम बात करने वाले noun and the case. स्टार्ट करते हैं आज का क्लास. फर्स्ट आपका स्टूडेंट केस. केस क्या होता है? द रिलेशन इन विच ए नाउन स्टैंड टू सेम अदर वर्ड और द चेंज ऑफ द फॉर्म वाई विच दिस रिलेशन इज इंडिकेट इज कॉल्ड द केस. यानी कि द रिलेशन इन विच ए नाउन, ये बात की जा रही है स्टूडेंट कि द रिलेशन बताता है केस, यानी एक नाउन का किसी दूसरे नाउन पर हक जताना. या हम बात करें ऑफ द चेंज ऑफ द फॉर्म, यानी किसी नाउन का किसी दूसरे नाउन पर क्या होता है, हक जताया जाता है या उसकी फॉर्म चेंज कर दी जाती है. तो ये जो आपका जो रिलेशन बताया जाता है उसको आप बोलते हो केस. अब बात आती है काइंड ऑफ केस क्या होता है. हिंदी में आप केस को कारक बोलते हैं स्टूडेंट. काइंड्स ऑफ केस होता है यानी केस कारक के प्रकार. फर्स्ट है आपका नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता कारक. ए नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शन एज सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज प्लेस्ड इन अ नॉमिनेट केस. यानी इसमें बताया कि स्टूडेंट इन नाउन और प्रोनाउन यानी संज्ञा और सर्वनाम दैट फंक्शन काम करती हैं एज ए सब्जेक्ट. यानी किसी सेंटेंस में अगर आपकी नाउन और प्रोनाउन एज सब्जेक्ट काम करती हैं तो आप इसको बोल सकते हो नॉमिनेट केस. और ऑफ ए वर्ब इज प्लेस्ड इन द नॉमिनेटिव केस, तो आप उसको हम जो आपका नाउन है या प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है तो वहाँ पर हम नॉमिनेट केस बोलते हैं उसको. जैसे यहाँ बताया गया आपका एग्जांपल के थ्रू कि मीरा रोट मैनी पोइम्स इन हिंदी. यानी कि जो मीरा नाम की कोई लड़की है क्या कर रही है, वो बहुत सारी उसने हिंदी में कविताएं लिखी हैं. तो स्टूडेंट यहाँ जो मीरा यूज़ की गई ये आपकी नॉमिनेटिव केस है, यानी कि सब्जेक्ट एज सब्जेक्ट यूज की गई है तो ये आपका नॉमिनेट केस है. यहाँ बताया गया द रेड फोर्ट इज़ ए फेमस बिल्डिंग. यानी जो रेड फोर्ट है आपका, द रेड फोर्ट आपका सब्जेक्ट यूज़ किया गया है तो ये आपका एज नॉमिनेटिव केस यहाँ पर कार्य कर रहा है. नेक्स्ट एग्जांपल आपका ही हैज़ गॉन टू आगरा. तो ही यहाँ क्या है आपका प्रोनाउन है. हेयर मीरा यहाँ पर बात की जाएगी स्टूडेंट. हेयर मीरा एंड द रेड फोर्ट ही का यूज़ रोड इज हैज़ गॉन के सब्जेक्ट का काम करें. यानी कि ये क्या है आपकी गॉन इज और ये स्टूडेंट आपकी वर्ब हैं और इन वर्ब के लिए काम कर रहे हैं आपकी क्या मीरा द रेड फोर्ट और ही आपकी सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं. अतः ये नॉमिनेट केस है क्योंकि सब्जेक्ट को ही जो सब्जेक्ट होता है वो आपका नॉमिनेट केस में रहता है. तो मुझे लगता है आपको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी. नॉमिनेट केस क्या होता है, जो सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है वो आपका नॉमिनेट केस होता है. नेक्स्ट स्टूडेंट आपका ऑब्जेक्ट केस यानी ए नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शन एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इन प्लेस इन द ऑब्जेक्ट. यानी कि किसी भी सेंटेंस में आपका नाउन और जो प्रोनाउन होता है वो कार्य करता है किसी तरह वर्ब के लिए कार्य करता है, यानी जो आपकी जो वर्ब है उसके लिए काम करता है एज ए आपका ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म कारक. तो आप वहाँ ऑब्जेक्ट केस बता सकते हो. या एग्जाम्पल दिया ही हेल्प सीता. तो स्टूडेंट ये आपका देखो अगर हम बात करें यहाँ से तो जो आपका ही है ये आपका नॉमिनेटिव केस है और हेल्प क्या है आपकी यहाँ पर वर्ब है. इस वर्ब के लिए जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है वो क्या है आपका सीता, यानी उसने सीता की मदद की. तो किसकी मदद की गई यहाँ पे सीता की, और किसने की उसने. जैसे आई टीच यू या आई टीच हर, तो स्टूडेंट आई क्या है आपका यहाँ नॉमिनेटिव केस है, टीच आपका वर्ब है और हर आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट केस है. जैसे यहाँ बताया गया है हियर सीता हर का यूज़ हेल्प टीच के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है. स्टूडेंट यहाँ पर जो सीता है और आपका जो हर है ये आपका ये यूज़ हुए हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट केस, यानी ऑब्जेक्ट केस में रहता है जो ये आपके क्या हैं कर्म कारक हैं. नेक्स्ट आएगा पसेसिव केस यानी संबंध कारक. व्हेन ए नाउन सो इट्स रिलेशन विथ और पसेशन ऑन अदर नाउन इज एन पॉसेसिव केस में रहता है. यानी इसका मतलब ये हो गया जब हम नाउन जो होती है स्टूडेंट वो किसी दूसरे के साथ कितना क्या बताती है, वो अधिकार बताती है या आपका रिलेशन बताती है. जैसे दिस इज द राम मोबाइल, तो ये यहाँ ये बात डेफिनेट कर दी है कि यह मोबाइल किसका स्टूडेंट, यह मोबाइल किसका आपका
राम का यहाँ पे, और यहाँ यूज किया दीज आर द लेग ऑफ बेड, यानी कि ये क्या है आपकी जो बेड है उसकी लेग है। तो ये यहाँ पर जो आपका द लेग ऑफ है ये क्या है, ये आपका रिलेशन बता रहा है यही कि ये किसकी टांग है, बेड की। इसे सी इज माई वाइफ, क्या है वो मेरी पत्नी है। तो यहाँ के क्या है, वाइफ क्या है ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर सी सब्जेक्ट है, यानी कि ये सी आपका क्या है नॉमिनेटिव केस में यूज़ किया हमने, इज आपका वर्ब है। तो माई ये क्या है स्टूडेंट, ये वाइफ है ना, ये जो वाइफ है ये आपका ऑब्जेक्ट केस है। तो ऑब्जेक्ट केस से हमने पहले यूज़ किया है इसको, किसको पजेसिव, यानी ये जो माई है ना ये क्या है, ये मेरा अधिकार दिखा रहा है, यानी मेरा पजेसिव दिखा रहा है कि यह मेरी पत्नी है। तो यहाँ बताया कि सेंटेंस में राम द लेग ऑफ एंड माई का संबंध किससे बताया गया, ये भाव दिखा रहा है, अधिकार दिखा रहा है, ये पसेसिव दिखा रहा है कि भाई ये पत्नी मेरी है, ये जो टांग है ये बैठ की, और ये जो मोबाइल है ना ये आपका राम का है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको समझने में कोई भी। नेक्स्ट आपका वोकेटिव केस, यानी इफ़ ए नाउन इज कॉल्ड, यानी किसी नाउन के बारे में हम बात करते हैं स्टूडेंट, या किसी नाउन को हम संबोधन करते हैं, तो उस वो क्या आपका होता है संबोधन कारक, यानी कि वोकेटिव केस होता है। जैसे गो देयर सुरेंद्र, वहाँ जाओ। व्हाट आर यू डूइंग सिस्टर, आप बहन जी आप क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या है, हम किसी को क्या करें, जैसे सिस्टर है यहाँ पर सुरेंद्र है, यार सुरेंद्र और सिस्टर का यूज़ किस तरीके से यूज़ किया गया स्टूडेंट, यहाँ पर हमने हेयर और सिस्टर का यूज़ संबोधन के लिए किया गया, अतः ये क्या है, ये आपकी वोकेटिव केस में। अब बात आती है स्टूडेंट की केस टेबल, यानी केस टेबल में आता है आपका नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस क्या होता है स्टूडेंट, ये आपका कर्ता कारक होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है आपका कर्म कारक, और ये पसेसिव एडजेक्टिव होते हैं, ये अधिकार दिखाते हैं जो संबंध कारक जो होते हैं। नेक्स्ट आपका केस पसेसिव, और ये प्रोनाउन होता है स्टूडेंट, ये बताता है ये मेरा या तुम्हारा है। ये रिफ्लेक्स होते हैं, रिफ्लेक्स क्या होते हैं, जो किसी पर अपना अधिकार दिखाते हैं, यानी प्रभाव दिखाते हैं। जैसे आई अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा स्टूडेंट, मी होगा, उसका अधिकार दिखाने वाली जो एडजेक्टिव वो होगा आपका माई, माइन होगा आपका, उसका पजेसिव प्रोनाउन होता है माइन, और माई सेल्फ उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। ऐसे बी का अस होता है, आवर आपका आवर्स आवर्स, यू योर 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 सेल्फ या योर स्लैब, ये फर्स्ट में आते हैं स्टूडेंट, ये सेकंड पर्सन में आते हैं, और ये आपके थर्ड पर्सन में आते हैं, ही सी इट आपके थर्ड पर्सन में आते हैं, और आई भी आपके फर्स्ट पर्सन में आते हैं, और यू आता है आपका सेकंड पर्सन में। तो ही का हिम होता है, हिज सेल्फ, सी हर 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 सेल्फ, इट इट्स स्टूडेंट, ये आपका जो आपका केस होता है इट का आपका पसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ जैसे दे है आपका, दे प्रोनाउन में आता है आपका प्लुरल फॉर्म में होता है ये, दे का देम देयर देयर्स और देम्स। अब आती है आपकी पसेसिव एडजेक्टिव, यहाँ वहाँ हमने पढ़े थे, इस तरीके से हमने डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे माई आवर योर हिज हर इट्स देयर का यूज़ नाउन से पहले होता है, इनका यूज़ नाउन के बिना नहीं किया सकता है। इसने इसने बात बताई कि जो भी आपके जो पसेसिव एडजेक्टिव होते हैं उनका यूज़, यानी कि माई आवर ये जो आपके यूज़ किए गए माई आवर हिज आवर हर्स, तो इनका यूज़ क्या है स्टूडेंट, ये पहले नाउन से पहले यूज़ किए जाएंगे, और इनका इसका जो यूज़ है वो नाम के बिना हम नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखो इसमें आता है पसेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, पसेसिव प्रोनाउन होते हैं माइन आवर्स यंग योर्स हिज हेयर देयर का यूज नाम से पहले नहीं होता, अर्थात इनका यूज नाम के बिना, ना तो आप पसेसिव एडजेक्टिव को ना ही पसेसिव आप प्रोनाउन को, इन्हें बिना नाम के आप यूज नहीं करोगे। जैसे यहाँ आपका एग्जाम्पल में बताया गया है कि माई ब्रॉदर इज रिच बट योर इज पुअर स्टूडेंट, यहाँ ये अधिकार दिखाया गया, यानी पस ऐसे ये आपका एडजेक्टिव अधिकार दिखा रहा है, ब्रॉदर आपका नाउन है और इच आपका हेल्प वो सॉरी वर्ब है, रिच आपका क्या एडजेक्टिव है, और योर्स पुअर ये क्या आपका पस ऐसे प्रोनाउन है, यानी अधिकार दिखा रहा है कि माई ब्रॉदर जो मेरा भाई है अमीर है, बट लेकिन क्या है तुम्हारा गरीब है, योर्स इन पुअर। आई enjoyed myself in the party, यहाँ आई आपका क्या है नॉमिनेटिव केस स्टूडेंट, और माई सेल्फ क्या दिखा रहा है आपका इसका माई सेल्फ इसका पसेसिव दिखा रहा है कि भाई मैंने खुद आनंदित लिया, तो
आई का माइसेल्फ हो गया रिफ्लेक्स। नेक्स्ट आपका पसेसिव केस, पसेसिव केस होता क्या स्टूडेंट, इसमें पसेसिव का मीन्स होता है एपोस्ट्रॉफी एस और एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी जब हम एस की बात करेंगे तो एस के ऊपर हम डैश लगाकर इस तरीके से एपोस्ट्रॉफी बनाते हैं, और अगर बात की जाएगी केवल एपोस्ट्रॉफी तो वहाँ पर ऊपर हम कॉमा यूज़ करते हैं, ऑफ से होता है। बिकॉज इट्स यूज फॉर रिलेशन और पसेसन का बोध कराने के लिए इसका यूज़ किया जाता है स्टूडेंट। जो आपका एपोस्ट्रॉफी जो हम यूज़ करते हैं ये यूज़ किया जाता है रिलेशन या पसेसन दिखाने के लिए। इसका मीन्स होता है का की के। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं राम्स, इसको फोन, राम्स फोन, तो यहाँ ये पसेसन अधिकार दिखा रहा है भाई कि राम का क्या है स्टूडेंट, फोन। द फोन ऑफ राम, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं द फोन ऑफ राम, यानी राम का फोन। बॉयज़ हॉस्टल यानी लड़कों का हॉस्टल। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट की यूज ऑफ पजेसिव और नो यूज ऑफ पजेसिव, यानी कि जो एपोस्ट्रॉफी एस है और एपोस्ट्रॉफी ओनली जो साइन होता है वो हम कहाँ यूज़ करेंगे और कहाँ पर उसको हमें यूज़ नहीं करना है। तो इसके हमने जो भी मेन पॉइंट थे उनको रूल में कन्वर्ट कर दिया गया। तो फर्स्ट रूल है इसका कि नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि निर्जीव वस्तुओं के साथ एस का यूज़ नहीं होता है बल्कि ऑफ का यूज़ करते हैं। यानी कि ये कोई भी अगर आपकी नॉन लिविंग थिंग्स है स्टूडेंट तो वहाँ पर हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पर आप ऑफ का यूज़ करोगे। जैसे स्प्रिंग्स फ्लावर, स्प्रिंग फ्लावर्स, फ्लावर्स ऑफ स्प्रिंग, मैंने बताया कि आप ऑफ का यूज़ करके आप इसको बना सकते हो। लेकिन स्टूडेंट यहाँ एपोस्ट्रॉफी हमने यूज़ किए इसलिए ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया है। और स्प्रिंग फ्लावर्स यहाँ पर हमने एपोस्ट्रॉफी को यूज़ किया ही नहीं है, तो ये भी आपका सही है। नेक्स्ट रूल स्टूडेंट आपका कि एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ सिंगुलर नाउन के साथ होता है। स्टूडेंट हम बात करने वाले हैं कि हम जो एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं वो आप सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं। जैसे सीता इज ब्रदर, सीता का वाई, ये जो एस एपोस्ट्रॉफी से सेंस आता है स्टूडेंट का की के। राम्स फादर यानी राम के पिताजी, और सीता ब्रदर मतलब सीता का भाई, यहाँ का आ रहा है और यहाँ पर की आ रहा है। लेकिन हम ऐसे ही बना सकते हैं द ब्रदर ऑफ सीता या द फादर ऑफ राम का भी हम यूज़ कर सकते हैं, ऑफ से भी आप इसको बना सकते हो इस तरीके से। नेक्स्ट रूल स्टूडेंट आपका एपोस्ट्रॉफी यानी कि एस एंडिंग प्लूरल नाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करके पसेसिव बनाया जाता है। यानी कि अगर आपके कुछ नाउन्स होते हैं स्टूडेंट, प्लूरल प्रोनाउन यानी कि प्लूरल नाउन होते हैं जिनका लास्ट स्ट्रक्चर क्या होता है आपका एस एंडिंग होता है लास्ट में, यानी वो उसका जो मीनिंग है वो एस पे जा करके आपका फिनिश होता है टेल फॉर्म में, तो वहाँ पर हम एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करके पसेसिव बनाते हैं। जैसे यहाँ बताया गया गर्ल्स कॉलेज, तो स्टूडेंट यहाँ जो गर्ल्स यूज़ किया गया है यहाँ पर हमने एपोस्ट्रॉफी का यूज़ किया है, ओनली एपोस्ट्रॉफी का, ना कि एपोस्ट्रॉफी एस का, ओनली हमने एपोस्ट्रॉफी यूज़ किया। देखो यहाँ पे गर्ल्स एपोस्ट्रॉफी, उसके बाद कॉलेज यानी कि लड़कियों का कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, यहाँ ये आपने स्टूडेंट यहाँ पर हमने एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ किया इसलिए आपका रॉन्ग है। और यहाँ हमने गर्ल्स कॉलेज यानी कि सिंगुलर फॉर्म में ये यानी कि एस एंडिंग नहीं हो रही है इसलिए हमने यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी यूज़ किया, तो इसलिए ये आपका गलत हो गया है। ऐसे सेकंड दिया गया आपका बॉयज़ हॉस्टल, यानी कि बॉय, ये बॉयज़ कैसा स्टूडेंट आपका प्लूरल नाउन है और उसके साथ आपने एपोस्ट्रॉफी साइन यूज़ किया है, उसके बाद आपने हॉस्टल यूज़ किया। यहाँ आपने एक तो सिंगुलर ले लिया बॉय, उसके बाद आपने एपोस्ट्रॉफी लगा दी, तो ये गलत हो गया। या आपने बॉयज़ भी लिया और एपोस्ट्रॉफी एस लगा दी, ये आपका इसलिए गलत हो गया। केवल आपको एपोस्ट्रॉफी का ओनली साइन यूज़ करना है बस, मतलब अगर मैं बोलता हूँ एपोस्ट्रॉफी तो वहाँ एपोस्ट्रॉफी यूज़ करना, और अगर बोलता हूँ एपोस्ट्रॉफी एस तो वहाँ पर आपको एपोस्ट्रॉफी एस को यूज़ करना होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बताया गया है आपके नेक्स्ट रूल में फोर में कि विदाउट एस एंडिंग जो प्लूरल नाउन के साथ हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं स्टूडेंट। यहाँ अभी आपने केवल ओनली एपोस्ट्रॉफी यानी केवल साइन यूज़ किया था और यहाँ पर हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करेंगे। जैसे वुमेन्स कॉलेज, ये क्या है स्टूडेंट आपकी प्लूरल नाउन है आपकी वुमेन है ना, वुमेन, ये आपका मैन है तो क्या है आपके प्लूरल है, तो इनके साथ आपको क्या करना है एपोस्ट्रॉफी एस यूज करना है। यानी कि ओनली अगर आपको एपोस्ट्रॉफी बोला जाए तो आप ओनली ऐसे साइन लगाते हैं बस हम ऊपर,
एपोस्ट्रॉफी एस बोला जाता है तो स्टूडेंट पहले साइन लगाते हैं और उसके बाद आप इस तरीके से आप एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। तो यहाँ वुमेन्स कॉलेज बन गया, इसलिए सही हो गया। यहाँ पर आपने वुमेन यूज़ किया, लेकिन ये आपने एम ए एन मंस क्या हुए, ओनली सिंगुलर फॉर्म है ये आपकी स्टूडेंट वुमेन की। लेकिन हमने क्या बोला है कि प्लूरल नाउन जो होते हैं उनके साथ, और वो भी विदाउट एस एंडिंग के, तो उनके साथ आप एपोस्ट्रॉफी का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट रूल है स्टूडेंट आपका कि हिसिंग साउंड वाले नाउन के साथ एपोस्ट्रॉफ यानी कि केवल साइन का यूज करके पसेसिव बनाते हैं। इसका मीन्स ये हो गया स्टूडेंट कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका हिसिंग साउंड क्या होता है, नाउन जैसे हम बोलेंगे जीसस, तो इस तरीके क्या है साउंड क्या है आगे खिंचता जाता है यानी कि कंटिन्यू चलता रहता है काफ़ी देर तक। तो ऐसे जो एस जो हिसिंग साउंड वाले होते हैं उनके साथ आप एपोस्ट्रॉफी ओनली साइन यूज करोगे, ना कि एपोस्ट्रॉफी का एस का, ठीक है। तो ये राइट साइड में या राइट दिए गए और ये आपके रॉन्ग है, जैसे जीसस लाइफ। तो स्टूडेंट आपको यहाँ क्या करना है, ये ऑलरेडी आपका नाम है और नाम के साथ ये उसमें हिसिंग साउंड आ रहा है एस का, यहाँ हमने ओनली एपोस्ट्रॉफी का साइन का यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ आपने एपोस्ट्रॉफी यूज़ किया तो इसलिए आपका गलत हो जाएगा और ये आपका स्टूडेंट सही हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर बताया गया कि पाइथागोरस थोरियम, तो पाइथागोरस के बाद आपको ओनली एपोस्ट्रॉफी का साइन यूज़ करना था यहाँ पर, इसलिए सही है और आपने यहाँ एपोस्ट्रॉफी यूज़ किया इसलिए। तो इधर वाले स्टूडेंट जितने भी हैं आपके ये सब रॉन्ग हैं और इधर वाले ये सब आपके राइट हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर जैसे फॉर गुड सेक फॉर कंसिस्टेंस कहते हैं ना भगवान के लिए, तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी आपको केवल यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी ओनली साइन यूज़ करना है, ना कि एपोस्ट्रॉफी एस का स्टूडेंट, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको बेहद ध्यान रखना है। लेकिन इसमें बताया कुछ हिसिंग साउंड वाले नाउन हैं जिनके साथ आप एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करके हम पसेसिव बनाते हैं। स्टूडेंट कुछ नाउन होते हैं यानी कुछ स्पेशल वाले होते हैं, जैसे कि आपके चार दिए गए यहाँ पे, से वीनस ब्यूटी यानी कि जो आपका जो ग्रह है वीनस उसकी ब्यूटी के बारे में बताया गया, तो वीनस एपोस्ट्रॉफी के लगा करके आप और उसने उसके साथ एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया स्टूडेंट, तो ब्यूटी। जेम्स हॉट, मिस्टर जॉनसन्स हाउस यानी कि जॉन जॉन्स, इस तरीके से एस का साउंड आ रहा है यानी सिंग साउंड है, ठीक है। तो इसके साथ हमने एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया है। ऐसे स्टूडेंट हमने यहाँ पर यीस्ट पोइम्स, तो यहाँ पर भी आपने एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया है। तो बढ़ते नेक्स्ट की तरफ, पर्सनिफाइड थिंग्स यानी जो वस्तुएँ मानवीय कृत्य हैं के साथ हम एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करके पसेसिव बनाते हैं, जैसे फॉर्चूनर्स फेवर और डेथ आइसलैंड यानी मृत्यु का जो आइसलैंड है वहाँ पर, तो स्टूडेंट यहाँ पर हम एपोस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं, ठीक है। ये क्या है मानवीय वस्तु जैसे मौत है या भाग्य है, तो ये क्या है मनुष्य के जीवन में आती रहती है खुशी गम इस तरीके, तो इनके साथ स्टूडेंट का आपको क्या करना है एपोस्ट्रॉफी का हम यूज़ करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ में आएगी, और अगर आपकी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें। अगर आपको कोई डाउट हुआ तो प्लीज़ डाउट मुझसे डिस्कशन कर लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल है स्टूडेंट आपका रूल नंबर 7, किसी कंट्री और प्लेस के साथ हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करके पसेसिव बनाते हैं। स्टूडेंट बात की जा रही है कि अगर हम किसी देश के बारे में बात करते हैं या हम किसी स्थान के बारे में, तो वहाँ पर आप एपोस्ट्रॉफी का यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ बताया गया कि इंग्लैंड हिस्ट्री यानी इंग्लैंड के साथ हमने क्या यूज़ किया है एपोस्ट्रॉफी यानी इंग्लैंड की हिस्ट्री। इंडियाज फ्यूचर भारत का भविष्य। मथुराज वाटर सप्लाई यानी मथुरा की वाटर सप्लाई है उसके लिए। स्टूडेंट आप इनको ऑफ के द्वारा ही बना सकते हो, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, द फ्यूचर ऑफ इंडिया, द वाटर सप्लाई ऑफ मथुरा, आप इनको इस तरीके से भी बना सकते हो। दोनों तरीके से आपकी ये सही है, आप एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करके ही बना सकते हो और आप ऑफ़ का भी यूज़ करोगे तो वो भी आपका गलत नहीं है। नेक्स्ट रूल है आपका स्टूडेंट कि टाइम एक्सप्रेशन वर्ड के साथ एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करके पसेसिव बनाया, यानी कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनसे आपको टाइम एक्सप्रेशन, टाइम एक्सप्रेशन किससे हो सकता है स्टूडेंट आपका बी कैट ए है और मतलब 6 4 मतलब कोई भी आप मान लीजिए आवर है मिनट है, तो ये क्या है टूडे यस्टरडे, तो इनसे क्या है ये टाइम एक्सप्रेशन वर्ड है यानी समय के बारे में आपको समय सूचक वर्ड है, तो इनके साथ आप एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करेंगे।
जैसे ए वीक्स हॉलीडे टुमारोज प्रोग्राम, तो स्टूडेंट यहाँ क्या ये वीक से हमें क्या पता चल रहा है, ये आपका टाइम एक्सप्रेस है। ऐसे टुमारो क्या आपका टाइम एक्सप्रेस है, तो उसके साथ आपने यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी का यूज़ किया है। लेकिन यहाँ बताया गया 5 डे लीव और 6 डे जर्नी के साथ एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करके पसेसिव बनाया जाता है। यहाँ बात कर रहे थे स्टूडेंट एपोस्ट्रॉफी एस की, लेकिन जब बात आती है हम 5 डेज लीव एंड 6 डेज जर्नी के साथ आप एवल एपोस्ट्रॉफी का यूज करके भी आप इनका पसेसिव यानी अकार्य कारक आप बना सकते हैं। नेक्स्ट रूल दिया गया स्टूडेंट आपका लेंथ पॉइंट एज विड्थ ब्रीथ ईटीसी के अनुसार प्रयुक्त नाम के साथ हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करके पसेसिव बनाते हैं। यानी कि अगर ये आपके वर्ड यूज किए जाते हैं लेंथ पॉइंट एज विड्थ ब्रीथ वृत्त, तो इनसे पहले अगर कोई नाउन आती है तो स्टूडेंट उसके साथ हमको क्या यूज़ करना होता है, उसके साथ यूज करते हैं हम एपोस्ट्रॉफी। जैसे द बोट्स लेंथ, तो बोट क्या है स्टूडेंट आपका यहाँ पर नाउन है, इसीलिए हमने इसके साथ यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी यूज़ किया है। निडल पॉइंट, निडल क्या है आपका नाउन है। स्टोन क्या है आपका स्टोन है, ठीक है, तो स्टोन ऑफ थोरोन। तो आप इस तरीके से अगर हमें कहीं भी लेंथ पॉइंट एज या ब्रेथ या ब्रीथ ऐसे शब्द आते हैं और उनसे पहले अगर कोई नाउन है तो स्टूडेंट हम वहाँ पर एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं। लेकिन द लेंथ ऑफ, मैंने अभी बताया था कि आप या तो एपोस्ट्रॉफी यूज़ करके बना सकते हो या ऑफ करके भी इनका इनको चेंज करके पसेसिव बना सकते हो। द लेंथ ऑफ ए बीट द पॉइंट ऑफ ए निडल द एज ऑफ ए रोजर द एज ऑफ ए स्टोन, तो इस तरीके से आप स्टूडेंट ऑफ का यूज करके भी आप इनको पसेसिव में बना सकते हो। नेक्स्ट टूल आपका यूनिट ऑफ बीट और मनी के साथ हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करके पसेसिव बनाते हैं। यहाँ बात की गई है स्टूडेंट के बीट और मनी के सवार में, अगर कहीं भी हमें ऐसा अनुभव हो रहा है कि बीट की बात की जा रही है या हमारे यहाँ पर मनी के बारे में बात की जा रही है तो हम वहाँ पर एपोस्ट्रॉफी यूज करते हैं। जैसे ए टन्स बीट, तो ये जो टन यूज़ किया गया स्टूडेंट इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ बात की जा रही है वजन की और यहाँ बीट है। यूनिट ऑफ यानी कि बीट और मनी के साथ हम एपोस्ट्रॉफी, टन क्या है आपकी यूनिट है ना, किसकी बीट नामने की, यहाँ 5 स्टोन तो ये क्या है आपका 5 टन, तो ये भी आपका स्टूडेंट बीट नामने की, यहाँ 6 पाउंड तो एपोस्ट्रॉफी यूज़ कर दिया, ए पाउंड तो यहाँ भी हमने एपोस्ट्रॉफी यूज़ किया, यहाँ पैसे की बात की जा रही है रुपीज़ वर्थ तो यहाँ भी हमने एपोस्ट्रॉफ यूज़ किए। तो इस तरीके से आप अगर हमें यूनिट ऑफ बीट यानी किसी यूनिट का हमें बोध होता है कि इसका वजन या पैसे के द्वारा, तो वहाँ पर हम एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट रूल आपके स्टूडेंट कंपाउंड नाउन के लास्ट टर्म के साथ एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करके पसेसिव बनाते हैं। ये कंपाउंड नाउन मैंने आपको नाउन एंड द नंबर में बताया स्टूडेंट कि जब हम, मैंने आपको दो तरीके से बताए थे आपको सिंगुलर से प्लूरल, अगर आपका जो मेन वर्ड होता है कंपाउंड नाउन में तो उसके साथ हम क्या करते हैं एस जोड़ देते हैं तो वहाँ पर आप उसको प्लूरल फॉर्म में बना सकते हो, और अगर आपके दोनों ही मेन वर्ड हैं तो आप दोनों के साथ आप एस यूज़ करके उसको बना सकते हो। तो यहाँ ऐसे ही आपको करना है, यहाँ क्या करना है एपोस्ट्रॉफी यूज़ करनी है किसके साथ, जो वर्ड लास्ट में आता है, जैसे फादर इन लॉ हेल्थ, तो स्टूडेंट ये जो आपका लॉ यूज़ किया गया है तो ये क्या आपका लास्ट वर्ड है किसका कंपाउंड नाउन, यानी कंपाउंड नाउन क्या है फादर और इन और लो, ये जो इन है ये फादर और इन इसको लो को ऐड कर रहा है स्टूडेंट, तो लो यहाँ क्या है आपका इसके साथ हमने यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी यूज़ किए तो ये आपका सही है, और फादर इन लॉ हेल्थ तो यहाँ आपने एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ नहीं किया इसलिए ये आपका गलत हो गया। नेक्स्ट रूल है आपका फ्रीज और नाउन इक्वलिटी, नाउन इक्वेंटेंट वर्ड जो एक से अधिक शब्दों को मिलकर बने होते हैं कि लास्ट नाउन से पहले यूज नाउन के साथ हम एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं। इसका मीन्स ये हुआ स्टूडेंट जब हम बात करते हैं किसी फ्रेज की या कोई भी नाउन होती है जो कई सारी वर्डों से मिलकर बनी होती है तो उसका जो लास्ट नाउन होता है तो यूज नाउन से के साथ हम क्या करते हैं स्टूडेंट एपोस्ट्रॉफी एस का आप यूज़ करोगे। जैसे यहाँ बताया गया था किंग ऑफ मगध पैलेस, तो यहाँ ये क्या है द किंग ऑफ मगध, तो यहाँ मगध का राजा उसके साथ स्टूडेंट हमने यहाँ क्या यूज़ किया है तो ये नाउन एक्यूपेट है द किंग ऑफ मगध पैलेस, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो गया।
किंग्स यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम बात कर रहे हैं केवल तक नाउन के बारे में, जो नाउन है जो शब्दों से मिलकर बनी होती है उससे पहले यूज जो नाउन होता है वह हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे। जैसे यहाँ द किंग ऑफ मध्य प्रदेश, तो किंग्स क्या है यहाँ आपने यूज कर लिया ऑफ मध्य प्रदेश, द किंग ऑफ मध्य प्रदेश ऑफ पेरिस, तो ये आपका गलत हो गया। नेक्स्ट रूल आपका नाउन है या पोजिशन के केस में प्रयुक्त नाम के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करके हम पोजेसिव बनाते हैं। नाउन या पोजिशन होता है स्टूडेंट पास में, यानी कि नियर बाई नाउन जो होती है उसके साथ हम एपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। जैसे सुरेंद्र टीचर हाउस वॉज डेकोरेटेड, यानी कि जो आपकी फर्स्ट नाउन होती है उसके जो नियर जो आपकी नाउन होती है, ठीक है, तो यहाँ सेकंड नाउन क्या आपका टीचर, तो टीचर के साथ हमने एपोस्ट्रॉफी यूज़ की है, तो नाउन के साथ जो नज़दीक होता है उसके साथ आप इसको एपोस्ट्रॉफी हम यूज़ करते हैं। जैसे आई मैरिड माई ब्रदर राम सिस्टर, यानी कि मेरी शादी किसके साथ हुई है, मेरे दोस्त राम की बहन के साथ। तो यहाँ राम क्या है आपका स्टूडेंट, यहाँ ये नाउन किसकी किसके लिए यूज किया गया है यहाँ पर, यानी कि जो मेरी शादी हुई किसके लिए हुई है, उसकी बहन के लिए। ऐसे यहाँ पर आई मैरिड माई ब्रदर्स राम्स सिस्टर, तो यहाँ भी इस तरीके से आपका ये गलत हो गया क्योंकि हमने यहाँ ब्रदर्स को क्या है प्लूरल फॉर्म में बना दिया और इसके साथ एपोस्ट्रॉफी यूज़ किए, तो ये आपको नहीं करना है। जब कहीं भी नियर यानी कि नाउन पोजिशन होता है स्टूडेंट, नाउन नियर होती है उसके साथ हम एस का यूज़ करते हैं यानी एपोस्ट्रॉफी के। बात की जाती है नेक्स्ट रूल की, यानी कि यदि दो नाउन एंड से जुड़े हों तथा उनके बीच कोई क्लोज रिलेशन हो तो लास्ट नाउन के साथ हम एपोस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं। देखो कितनी अच्छी बात है इसमें कि अगर कोई भी जो नाउन है और वो एंड से जुड़े हों तो उनके बीच कोई भी रिलेशन होता है तो जो लास्ट नाउन होती है यानी कि पीछे वाली जो नाउन आएगी उसके साथ स्टूडेंट आपको एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करना होता है। यहाँ बताया गया कि मिस्टर सुरेंद्र एंड ब्रदर्स कोचिंग, यानी कि मिस्टर सुरेंद्र उनके भाई की क्या है कोचिंग। तो स्टूडेंट मैंने बताया कि एक तो नाउन आपका यहाँ पर सुरेंद्र है और दूसरे हैं आपके उनके भाई यानी ब्रदर। तो मैंने बताया है कि हम जो भी एपोस्ट्रॉफी यूज करते हैं किसके साथ यूज करते हैं, जो आपका सेकंड वाला जो नाउन होता है उसके साथ। मिस्टर सिन्हा एंड सन्स ऑफ, ये आपका सही है मिस्टर सिन्हा, तो ये आपका गलत हो गया क्योंकि आपने यहाँ पर फर्स्ट के साथ यूज कर दिया, इसलिए आपका रॉन्ग हो जाएगा। यदि यहाँ बताया यदि तो नाउन के बीच क्लोज रिलेशन नहीं हो तो दोनों नाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी का आप यूज कर सकते हो। इसका मतलब अगर कहीं हमें पता चल रहा है कि दोनों क्या है रिलेशन है तो स्टूडेंट हम वहाँ पर एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करेंगे। पता चलता है भाई कोई रिलेशन नहीं है तो आप दोनों के साथ भी आप एपोस्ट्रॉफी यूज़ कर सकते हैं। जैसे सुरेंद्र एंड राम्स कोचिंग, यानी कोई टीचर है कोई आपके सुरेंद्र हैं और एक राम है, इनकी क्या है अलग अलग कोचिंग है, तो यहाँ स्टूडेंट ये भी आपका नाम है और ये भी आपका नाम, तो हमने दोनों के साथ पर यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी का यूज़ किया है क्योंकि इनसे बोध हो रहा है ना दोनों अलग व्यक्तियों के बारे, यानी दो नाम है अलग अलग, यहाँ राम सॉरी सुरेंद्र एंड राम्स कोचिंग, तो ये आपका स्टूडेंट गलत हो जाएगा। कभी कभी स्कूल सो क्लिनिक चर्च इटीसी को बोध कराने के लिए हम एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट ये कुछ आपके नाउन है, स्कूल है शॉप है आपकी क्लिनिक है और चर्च, इनसे क्या होता है कि आपको इनका बोध कराने के लिए क्या हम एपोस्ट्रॉफी का यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि सुरेंद्र टीच इन जी आई सी, तो स्टूडेंट यहाँ बात की हमने जी आई सी, ये क्या है जी आई सी एक गवर्नमेंट कॉलेज है, तो इससे हमें क्या फील हो रहा है कि भाई हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं। माई वाइफ वॉज सिटिंग, मेरी जो पत्नी थी वो बैठी थी कहाँ पर इन डॉक्टर्स, अब ये तो है नहीं कि भैया आप डॉक्टर की गोद में बैठे हो या डॉक्टर के सिर पे बैठे हो, कहाँ बैठोगे डॉक्टर के क्लिनिक में बैठोगे ना, तो ये क्या है यहाँ स्पेसिफाई कर रहा है कि हम एपोस्ट्रॉफी यूज़ कर करके कि हम वो क्लिनिक में बैठे हैं। जैसे मिस्टर सिंह सो मिस्टर कुमार, यानी मिस्टर सिंह ने मिस्टर कुमार को देखा एट कहाँ पर देखा बॉर्बर, अब ये बॉर्बर्स मीन्स क्या यूज़ किया गया कि नाई की दुकान पर, तो स्टूडेंट यहाँ शॉप या क्लिनिक या स्कूल की बात करें तो इनसे क्या पता चल रहा है आपको इनके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए आप यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी का हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल आपका पजेसिव का यूज़, देन से पहले हो तो देन के बाद ही पजेसिव का यूज़ होता है। बात कर रहे हैं स्टूडेंट अगर हम किसी भी कहीं भी यूज़ करते हैं देन का, तो देन के बाद ही पजेसिव का यूज़ करते हैं और देन के पहले भी। जैसे यहाँ बताया गया है कि हिज मोबाइल इज कॉस्टलियर देन मिस्टर सुरेश, यानी कि उसका जो मोबाइल है वो किससे चीप है यानी कि उससे महंगा है, तो ये किससे है मिस्टर सुरेश, तो ये क्या है देन के बाद भी स्टूडेंट हमने यहाँ पर पजेसिव का यूज़ किया है क्योंकि हमने यहाँ पर भी इस तरीके से
तो यहाँ बताया गया कि उमाज लवर इज मोर हैंडसम देन प्रियंस। तो यहाँ जो उमा है ये आपकी कोई नाउन है स्टूडेंट, या हमने एपोस्ट्रॉफ यूज़ किया है, तो यहाँ प्रिया इसके साथ भी हमने यहाँ पर एपोस्ट्रॉफ यूज़ किया है। ठीक है, तो हमने बताया कि अगर देन से पहले अगर हम एपोस्ट्रॉफ यूज़ करते हैं तो देन के बाद भी आपको एपोस्ट्रॉफ का यूज़ करना हो। जैसे यहाँ उमा के साथ यहाँ इसे ऐड कर दिया लेकिन यहाँ प्रिया के साथ ऐड नहीं किया, तो ये आपका गलत हो जाएगा और ये ऊपर वाला आपका सही हो जाएगा। यहाँ बताया गया नेक्स्ट में द क्लाइमेट ऑफ मथुरा इज़ बेटर देन आगरा, यानी कि जो मथुरा की जो जलवायु कैसी स्टूडेंट, वो आगरा से बेटर है। तो यहाँ हमने यूज किया था क्लाइमेट ऑफ मथुरा इज़ बेटर देन दैट ऑफ आगरा। अगर स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं यहाँ हमने क्या क्लाइमेट ऑफ मथुरा की तुलना किससे कर दी है, तुलना यानी कि जो मथुरा की जो जलवायु है उसकी तुलना हमने की है डायरेक्ट आगरा से, तो ये आपका गलत है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं, अगर हम किसी मान लो कंपेरिजन करते हैं या कोई भी समानता बताते हैं, तो कोई ना कोई उसमें दोनों में एक जैसी चीज़ देखते हैं, तभी तो आप बता सकते हो कौन सी बेटर है कौन सी वर्स्ट है। तो यहाँ द क्लाइमेट ऑफ मथुरा यानी कि जो मथुरा की जलवायु इज़ बेटर देन दैट ऑफ आगरा, तो यहाँ अब तुलना बराबर की गई है कि जो मथुरा की जलवायु है वो हो आपकी आगरा की जलवायु के बराबर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका यूज़ करना है। नेक्स्ट रूल आपका स्टूडेंट इंडेफिनिट प्रोनाउन, जैसे कि एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, समवन, एवरीवन, नोवन के साथ हम एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करके पसेसिव ना। अगर ये आपकी स्टूडेंट इंडेफिनिट प्रोनाउन आते हैं अनिश्चयवाचक, तो ये एवरीबडी है, समबडी आपका, नोबडी है, एनीबडी है, समवन है, एवरीवन है, नोवन है, तो इनके साथ आप एपोस्ट्रॉफी एस का आप यूज़ करके आप पसेसिव बना सकते हो। जैसे समवन, जैसे सम वंस मोबाइल, यानी ये किसी का क्या मोबाइल है, तो यहाँ सम यूज़ किया उसके साथ वन यूज़ किया गया, तो हमने यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी का यूज़ किया है। जैसे एवरीबडीज प्रॉब्लम यानी सभी की समस्याएं, तो हमने यहाँ पर भी एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया है। लेकिन बात आती है इंडेफिनेट प्रोनाउन के बाद अगर हम एल्स का यूज़ करते हैं, तो एल्स के साथ एपोस्ट्रॉफी का यूज़ होता है स्टूडेंट, ना कि नोबडी के साथ। तो यहाँ बताया गया नोबडी एल्स एडवाइस, तो अगर हम किसी भी सेंटेंस में नोबडी है और नोबडी के साथ अगर हम या इंडेफिनेट जो आपके प्रोनाउन है उनके साथ अगर आपने एल्स का यूज़ किया है स्टूडेंट, तो जो आपका एपोस्ट्रॉफी यूज़ किया जाएगा वो आपका एल्स के साथ यूज़ किया जाएगा, ना कि इंडेफिनेट फिर प्रोनाउन के साथ। जैसे यहाँ नोबडीज, तो ये आपका गलत है, यहाँ आपको ये यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हमने बताया भी रूल्स में पढ़ाई पर अगर इंडेफिनेट प्रोनाउन के साथ में अगर एल्स का यूज़ होता है, तो वो पसेसिव जो एपोस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं वो आपका एल्स के साथ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट रूल है स्टूडेंट आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन, इंडेफिनेट प्रोनाउन कौन से कौन से आपके, जैसे एवरीथिंग है, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग के साथ हम एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं, और जबकि हम ऑफ का भी यूज़ करके पसेसिव नहीं बनाते हैं जबकि ऑफ का। यहाँ पर स्टूडेंट इसने बात की है कि इनके साथ आप एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करके नहीं करना है, हमें यूज़ करना है केवल ऑफ का। अगर कहीं भी आपके इंडेफिनेट प्रोनाउन जैसे कि एवरीथिंग, समथिंग और एनीथिंग और नथिंग वाली जो सीरीज होती है, अगर ये आती है तो आपको इनके साथ एपोस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं करना है और उसके साथ आपको यूज़ करना है ऑफ का। जैसे यहाँ बताया गया है द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग, यानी कि जो सुंदरता है प्रत्येक की, लेकिन यहाँ क्या किया इसने द एवरीथिंग्स ब्यूटी, ये आपका कोई सेंसेबल नहीं है, जो सेंस कर रहा है द ब्यूटी ऑफ, तो यहाँ ऑफ का यूज़ किया है क्योंकि हमने यहाँ यूज़ किया है आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन। अब बात आती है स्टूडेंट के रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होते हैं, वो होते हैं आप इच अदर एन अदर के साथ हम एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करके पसेसिव बना सकते हैं। रेसिप्रोकल जो आपके जो प्रोनाउंस होते हैं ये होते हैं स्टूडेंट आपके किसी भी रेसिप्रोकल जो आपके प्रोनाउन होते हैं ये होते हैं स्टूडेंट संबंधवाचक, यानी ये संबंध बताते हैं, जैसे इच अदर सेंड प्रत्येक के हाथ से, तो यहाँ इसके साथ हम एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं, किनके साथ रेसिप्रोकल जो प्रोनाउन होते हैं यानी इच अदर और आपका वन अनदर के साथ। यहाँ इच अदर्स एंड यहाँ आपने एपोस्ट्रॉफी यूज़ किया यहाँ पर, ये आपका गलत होगा क्योंकि आपको इच अदर्स के साथ यूज़ करना, ना कि इसके साथ। ऐसे यहाँ बताया गया इच अदर्स एंड, तो ये भी आपका स्टूडेंट गलत हो जाएगा क्योंकि आप डबल एपोस्ट्रॉफी एक साथ यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ बताया गया वन अनदर्स बिहेवियर, यानी कि जो जो हमने किसी का जो यूज़ किया जाता है, तो यहाँ हमने अनदर के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया है, या वंस के साथ यूज़ किया ये गलत हो गया, या वंस और दोनों के साथ यूज़ किया तो इसलिए भी आपका गलत हो गया, तो पहला वाला आपका यहाँ पर स्टूडेंट सही रहेगा। नेक्स्ट है ये आपका कोई स्ट्रक्चर होता है कि ए
या एन, उसके बाद कोई नाउन आता है प्लस फिर ऑफ यूज किया जाता है प्लस फिर नाउन आता है, यानी अगर कोई आर्टिकल है पहले ए और एन, उसके साथ नाउन है प्लस ऑफ है प्लस नाउन है। तो अगर कोई बनावट है तो लास्ट वाले नाम के साथ आप एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हो। अगर ये आपका कोई स्ट्रक्चर है यानी कि ए एन उसके बाद नाउन है प्लस ऑफ है प्लस नाउन है वही स्ट्रक्चर, तो स्टूडेंट जो पीछे वाली जो नाउन होती है उसके साथ आप एपोस्ट्रॉफी का यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में बताया गया कि इज सिस्टर ऑफ मोहन्स बुक, इज सिस्टर ऑफ मोहन्स बुक, यानी ये सिस्टर का आपका फर्स्ट नाउन है, मोहन आपका स्टूडेंट सेकेंड नाउन है, तो हमने यहाँ मोहन्स के साथ यूज किया है। बुक होने को तो बुक भी आपका नाउन है, लेकिन जो हमने इधर से काउंट करेंगे तो सेकेंड भी आपका मोहन आ रहा है। जैसे ए फ्रेंड ऑफ माई वाइफ, तो फ्रेंड स्टूडेंट आपका फर्स्ट नाउन है और जो ये आपका वाइफ वाला है तो ये जो वाइफ आपकी सेकेंड है नाउन है यानी प्रपोजिशन के बाद, तो ये आपका सेकेंड वाला जो नाउन होता है उसके साथ हमें एपोस्ट्रॉफ का यूज़ करके हमने इसको यूज़ करके इसका पसेसिव बनाया है। नेक्स्ट रूल आपका स्टूडेंट कि जीरेंट से पहले यूज नाउन के साथ हम एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करके पसेसिव बनाते हैं। अब बात आती है स्टूडेंट की आपका जीरेंट क्या होता है। जीरेंट होता है स्टूडेंट कि किसी भी जो आपकी वर्ब होती है वर्ब में हम आई एन जी लगा देते हैं तो वो आपका जीरेंट फॉर्म कहलाता है, यानी कि आई एन जी फॉर्म जो होती है वर्ब की उसको हम जीरेंट फॉर्म में कहते हैं। तो जीरेंट के पहले यूज नाउन जो होता है उसके साथ आप एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ बताया गया मिस्टर सुरेन पोस्टपोन हिज वाइफ्स गोइंग टू द यूके, तो स्टूडेंट यहाँ पर जीरेंट फॉर्म यूज़ किया गया वर्ब का किसका, गोइंग का, तो गोइंग से पहले आपका नाउन क्या रहा है वाइफ, तो वाइफ के साथ हमने यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी का यूज़ किया है। अगर कहीं भी जीरेंट अगर कोई भी फॉर्म आता है जीरेंट से पहले अगर जो भी वर्ब है सॉरी जो नाउन है उसके साथ आपको एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करना होता है। लेकिन यहाँ बताया कि जीरेंट के पहले पसेसिव एडजेक्ट का भी यूज़ होता है। से यू शुड नॉट माइंड हिज लेट, तो स्टूडेंट यहाँ जो हिज यूज़ किया गया है ये यूज़ किया गया है आपका पसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये आपका जीरेंट फॉर्म है यानी यू शुड नॉट, तुमको माइंड नहीं करना चाहिए क्या कि वो घर कब आता है लेट आता है इस तरीके से। नेक्स्ट रूल आपका स्टूडेंट पसेसिव प्रोनाउन और पसेसिव एडजेक्टिव के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ नहीं होता है क्योंकि ये खुद ही पसेसिव होते हैं, यानी कि आपके पसेसिव जो भी आपके प्रोनाउन होते हैं या पसेसिव आपके एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव जो होते हैं स्टूडेंट उनके साथ हम एपोस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं करते क्योंकि ये खुद ही होते हैं। जैसे कि योर्स डॉटर, गलत हो गया ना, योर डॉटर क्या है आपका, ये खुद ही आपका अपने आप में पसेसिव है। ये आपका हर है या हम हर्ष के साथ नहीं यूज़ करेंगे, या योर्स फेथफुली ये गलत हो गया क्योंकि हमें एपोस्ट्रॉफी यहाँ पर यूज़ कर दी गलत हो गया, यहाँ योर फेथफुली तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसको हमको इसका हमको यूज़ करना है प्रोनाउंस वाला पसेसिव प्रोनाउन वाला, तो यहाँ ये यूज़ योर्स फेथफुली तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा स्टूडेंट इस तरीके से। और ये नेक्स्ट रूल है आपका 23 कि द दिस दैट दीज दोज नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन की स्ट्रक्चर में लास्ट नाउन के साथ हम एपोस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं करते हैं। अभी मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था स्टूडेंट कि अगर हम कहीं भी ए एन उसके बाद अगर हम कोई भी नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन लेते हैं तो वहाँ जो बाद वाला जो नाउन होता था वहाँ पर हम एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ इसमें बताया गया कि दिस दैट दीज दोज अगर आता है और उसके बाद नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का अगर आपका स्ट्रक्चर दिया गया है तो जो बाद वाली नाउन है उसके साथ आपको एपोस्ट्रॉफी का यूज़ बिल्कुल भी कतई नहीं करना है। जैसे कि दिस एडवाइस ऑफ मिस्टर सुरेन इम्पोर्टेंट, तो यहाँ स्टूडेंट आपको क्या करना है कि हमने यहाँ एक तो एडवाइस हो गया आपका और यहाँ ये सुरेन यूज़ किया गया स्टूडेंट, ये आपका नाउन है कि नहीं भाई, और ये दिया गया आपका ये आपकी नाउन है उसके बाद प्रपोजिशन ऑफ प्लस फिर नाउन, तो उसके बाद इसने बोला है कि जो पीछे वाली जो नाउन है उसके साथ आपको एपोस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं करना, यानी एस के साथ हमको एपोस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं करना था इसलिए आपका गलत था। और यहाँ द एडवाइस ऑफ मिस्टर सुरेन सिंह सॉरी एडवाइस ऑफ मिस्टर सुरेन इज इम्पोर्टेंट, तो यहाँ ये स्टूडेंट आपका सही हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर जो आपका जो नाउन ऑफ नाउन वाला जो स्ट्रक्चर है उसमें पीछे वाली नाउन के साथ हमने एपोस्ट्रॉफी यूज़ नहीं किए क्योंकि हमने यहाँ पर दिस और दीज या दोज जो भी है उनको हमने यहाँ पर अगर ऐड करते हैं तो वहाँ हम एपोस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं करते हैं। तो
स्टूडेंट ये है आज की वीडियो को लास्ट स्टोरी यानी कि 24। तो ये आपका आज नाउन का चैप्टर आपका फिनिश होता है और मुझे उम्मीद है आपने नाउन का जितने भी आपके डाउट थे वो आपने सबने क्लियर कर लिए। और आपका कोई भी अगर डाउट रह जाता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आकर के आप मुझे बता सकते हो कि सर ये रूल है जो हमें समझ में नहीं आया। तो जो भी नेक्स्ट वीडियो बनती है प्रोनाउन की एड एक्टिव तो मैं उसमें आपको बता दूंगा। तो आज के लास्ट रूल स्टूडेंट, द प्लस एडजेक्टिव के साथ एपोस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं होता है जबकि हम ऑफ का यूज़ करते हैं। ये तो स्टूडेंट आपने रूल कई बार पढ़ लिया, वो एडजेक्टिव में भी पढ़ाया था मैंने, सॉरी उसमें सिंटेक्स में पढ़ाया था आपका और आर्टिकल में पढ़ाया था कि द, और ये आपका नंबर वाले चैप्टर में भी है कि द प्लस एडजेक्टिव, यानी कि अगर कोई एडजेक्टिव है उसके साथ आपने आर्टिकल द का यूज़ करते हैं तो उसके साथ आप एपोस्ट्रॉफी का यूज़ बिल्कुल नहीं कर सकते। और उसके साथ हम किसका यूज़ करेंगे स्टूडेंट, ऑफ का। जैसे यहाँ बताया गया द ऑनेस्टी ऑफ द ब्लाइंड, यानी कोई कोई अंधा आदमी है उसकी ईमानदारी की बात की जा रही है तो ऑफ का यूज़ किया है स्टूडेंट, इसीलिए ये आपका सही है। और यहाँ द ब्लाइंड से तो एपोस्ट्रॉफी आपको तो यूज करना ही नहीं था, क्यों कर रहे जब आपको मना किया है तो ये आपका गलत हो जाएगा। और यहाँ है द सिक्स पेशेंट, जो पेशेंट यानी कि बीमार है जो व्यक्ति वो आपके यहाँ है, तो यहाँ द पेशेंस ऑफ सिक, ये इस तरीके से बनेगा स्टूडेंट। तो ये आपको वीडियो देखना है, फुल वॉच करना है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो करते हैं हम यहीं पर समाप्त। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.